आयशा मुझे एक बात तो बताओ, व्हाट इज योर इंटरेस्टिंग एक्सेंट? तुमने जिंदगी कहाँ गुजारी है? बिकॉज मेरे ख्याल से बहुत से लोग नहीं जानते कि जब तुम अंग्रेजी बोलती हो कि तुम्हारा एक बहुत प्रोनाउंस्ड एक्सेंट है. एक्चुअली इंटरेस्टिंग इज अ गुड वर्ड एक्चुअली, बिकॉज़ आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन दुबई एंड ओवर देयर दे हैड पुट मी इन एन अमेरिकन स्कूल. सही. एंड देन जैसी मैं थोड़ी सी बड़ी हुई और लेट्स से 8th ग्रेड, तो मेरे अब्बा ने डिसाइड किया कि जी ये को एड स्कूल में नहीं रहना, बच्ची जवान हो रही है. सो या माय डैड्स वन ऑफ दोस. तो उन्होंने फिर दे स्विच्ड मी टू अ ब्रिटिश स्कूल वेयर आई डिड माय ओएन एंड ए लेवल्स एंड देन उसके बाद आई मूव टू कनाडा. सो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ द अमेरिकन आई थिंक विद द, वो कहते हैं ना कि जो बचपन में आप पिक कर लेते हैं एक्सेंट वही रहता है, लेकिन मेरे साथ जहां जहां मैं गई वहां थोड़ा सा उठाया कलेक्ट करती रही और फिर वो एक हाँ, but I've tried to control it a lot. लेकिन I don't like it when people think it's fake या पता नहीं कहाँ से आया या बना दिया. Fake तो कहीं से नहीं लगता, but you can tell कि तुमने, I mean तुम बाहर रही हो. So it's not. It's actually something I'm not very proud of because being a Pakistani and being in Pakistani dramas, I think आपकी उर्दू ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए थी. मेरी उर्दू तो बहुत अच्छी है. मेरी वोकैबुलरी बहुत अच्छी नहीं है. अच्छा, तुमने एक बड़ी दिलचस्प बात की अभी कि जब तुम क्लास 8 वगैरह में आ गई थी तो तुम्हारे वालिद ने डिसाइड किया कि कोएड स्कूल में नहीं पढ़ना. नहीं पढ़ना. तो ऑब्वियसली देयर इज अ लेवल ऑफ कंजर्वेटिज्म, थोड़ा सा ट्रेडिशनल. या या तुम्हारे वालिद हैं जी. तो अब वो कैसे डील करते हैं ड्रामों के साथ और हीरोज के साथ रोमांटिक सीन्स? और बहुत मुश्किल था टू कन्विंस हिम. मेरी अम्मी प्लेड अ ह्यूज रोल बिकॉज उनको ऐसा लग रहा था कि मैंने जो जो बाबा ने कहा वो मैंने कर लिया था. आई वेंट टू स्कूल फॉर आर्किटेक्चर, मैंने इंटीरियर डिज़ाइन भी किया, मैं सब कर लिया, वापस आई. उससे पहले मैंने मेहंदी कर लिया हुआ था, बट आई डिडंट नो केयर इट बिकम सो बिग, राइट?